खबर इंदौर से, जहां इंदौर में पूरे एक हफ्ते के बाद भी अब तक माही की मौत की गुत्थी पुलिस नहीं सुलझा पाई है। ये पता ही नहीं चल पाया है कि आखिर माही को सर में जो गोली लगी थी, जिस राइफल से गोली निकली थी, वो किसकी थी। 30 राइफल अब तक पुलिस जब्त कर चुकी है क्षेत्र की। 315 बोर की 30 राइफल पुलिस ने जब्त की है। बता दें, फॉरेंसिक विभाग की इंदौर पुलिस मदद ले रही है और जानने की कोशिश कर रही है कैसे ये गोली चली, किसने गोली चलाई, क्या ये हादसा था या फिर कोई साजिश। हम रुक करेंगे संवाददाता अखिलेश सेन का, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं खबर पर बातचीत करने के लिए। अखिलेश, उस मां के दर्द को समझना शायद ही कोई समझ पाएगा जिसने अपनी बेटी को खो दिया है, और अभी तक ये एक रहस्य बना हुआ है। गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है कि आखिर गोली कहां से आई, किसने चलाई, साजिश थी या कोई हादसा था। बिल्कुल दीपक, बिल्कुल कहा जा सकता है कि 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं, यानी कि एक हफ्ता अभी तक हो चुका है, लेकिन पुलिस अभी माही की मौत की जो गुत्थी है वो नहीं सुलझा पाई है। 4 अक्टूबर की ये घटना है और आज 12 अक्टूबर हो चुका है, और इस बीच सिर्फ पुलिस जांच करने की यहाँ पर बात कह रही है। हालांकि जो पुलिस ने अभी आसपास के जो 1 किलोमीटर के जो दायरे के जितने भी राइफलधारी हैं उन लोगों से बातचीत की है, उनकी जो राइफल है उसको जब्त किया गया है और लैब में जांच के लिए भेजा भी गया है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई क्लू, ऐसा सटीक जो एविडेंस नहीं मिल पाया जिससे कि जो माही की जो मौत का खुलासा किया जा सके। हालांकि जो राइफल है और उसके साथ ही जो माही के सिर से जो मेटल मिला है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए सागर लैब भी भेजा गया है, और जो सागर लैब से जैसे ही वो जांच आएगी उसके बाद पुलिस आगे यहाँ पर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले के बीच में जो कहीं ना कहीं पर जो माही का परिवार है वो सदमे में है, क्योंकि बच्ची घर पर बैठी हुई थी, माँ उसको गरबा देखने के लिए कॉलोनी में लेके गई और अचानक से एक फटाके की आवाज़ आई और उसके बाद जो माही है वो अपनी माँ की गोद में जाकर गिर गई, और कुछ ही देर में देखते देखते जो माँ की जो गोद है वो खून से लहूलुहान हो गई। तो कहा जा सकता है जिस प्रकार से अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद ही अब कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि जो माही का कातिल आखिर है कौन, क्योंकि स्पष्ट फॉरेंसिक जो टीम है वो भी जांच कर रही है और वैज्ञानिक तथ्य इसमें जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का मानना है, फॉरेंसिक का मानना है कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में गोली अगर चली होगी तो जो 315 की जो राइफल है उसका जो गोली का साइज होता है वो बड़ा होता है, और जैसे ही फायर हुआ होगा और उसके बाद कोई बड़ी चीज से टकराने के बाद वापस से जो बिल्कुल और एक रहस्य, एक चैलेंज ये भी है अखिलेश पुलिस के सामने कि अगर लाइसेंसी बंदूक से अगर गोली चली है फिर तो वो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन अगर जिस राइफल से गोली चली है वो लाइसेंसी नहीं है, कोई अवैध राइफल है, तो फिर पुलिस के लिए एक और बड़ा चैलेंज होगा अपराधी को पकड़ना। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।